गुड डे स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास लेके आई हूँ 10 इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच विल हेल्प यू टू क्रैक योर क्लैट। मैंने अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस रेफर किया हो तो टू पार्ट्स में लैटिन मैक्सिम्स, जो लीगल मैक्सिम्स होती है, 10-10 ईच टू पार्ट्स में आई हैव डिस्कस्ड। सो नाउ आई वुड बी कमिंग विद सम इम्पॉर्टेंट लीगल टर्मिनोलॉजीज इन पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। हम पार्ट वन में 10 वर्ड्स आज लर्न करेंगे जो कि लीगल है, एंड अगर आपके क्लैट के पैसेज में आता है तो वो वर्ड आपको समझ नहीं आएगा। इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग तो आंसर सही नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज प्राइमा फिसाई। प्राइमा फिसाई इज द वर्ड विच हैज बीन यूज सेवरल टाइम इन योर मॉक टेस्ट, इन योर क्लैट प्रीवियस ईयर पेपर्स एटसेट्रा। तो ये प्राइमा फिसाई वर्ड का मतलब होता है ऑन वेरी फेस ऑफ इट। अब ये जो ऑन वेरी फेस ऑफ इट है, इसके लिटरल मीनिंग पे मत जाओ कि फेस रेफर कर रहा है, मतलब कुछ ये ह्यूमन बॉडी से डील कर रहा है। प्राइमा फिसाई मतलब होता है ऑन द फर्स्ट लुक, एक बार देखते ही। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, और जो ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो आप वैसे भी रीड कर लोगे। एग्जाम्पल ये है कि इफ अ मर्डर हैज बीन कमिटेड एंड अ पर्सन इज देयर विद द नाइफ इन हिज हैंड्स, तो जो भी अगर देखेगा इस सीन को, प्राइमा फिसाई इट विल अपियर टू हिम कि मर्डर उसी ने किया है। तो प्राइमा फिसाई का मतलब होता है एक बार देखते ही, ऑन द वेरी फर्स्ट लुक जो हमें लगता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमा फिसाई। आई होप ये प्राइमा फिसाई वर्ड अब किसी भी पैसेज में, किसी भी रेफरेंस में आएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये क्या बात कर रहा है, कि फर्स्ट लुक में क्या हुआ, फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हुआ। ओके, कीप दिस इन माइंड। सेकेंड है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल सेंस में वर्ड यूज होता है। इस वर्ड का मतलब है ऑल नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड। जब भी देर आर टू कॉन्ट्रैक्ट्स, कीप इन माइंड टू कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरी चेंजेस हमने कर दिया है, अदरवाइज एक क्लॉज लिखते हैं हम, ऑल द टर्म्स आर म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। All the terms are mutatis mutandis. इसका मतलब है as it is, it will apply as it is. जो first contract में हमने deal किया था वो ही सारे second contract में लगेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, same वैसे ही चलने दो, ठीक है। Third term है ipso facto. ipso facto मतलब होता है by the very fact only. कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो हमें explain करनी पड़ती है, किसी की reasoning चाहिए होती है, but ipso facto जो legal word है ये बताता है कि एक fact के होते ही दूसरे facts already proved है। For example, यहाँ पे मैंने example quote भी किया है कि if a child is born in India तो हमें उसे क्या बोलेंगे, ही इज इंडियन सिटीजनशिप। बाय द वेरी फैक्ट, बाय ipso facto दैट ही हैज बीन बॉर्न इन इंडिया, ही विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, तो ये होता है बाय द वेरी फैक्ट, एक फैक्ट से दूसरे फैक्ट का प्रूव होना। इसके लिए हम जो लीगल टर्म यूज करते हैं वो है ipso facto। फिर है amicus curiae। amicus curiae मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, या फिर बहुत बार हम इसको यूज करते हैं बाय द वेरी नेक्स्ट फ्रेंड। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट का मतलब है, ये आप लोगों ने अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो उसमें भी आई थिंक पढ़ा होगा, या टॉर्ट लॉ पढ़ा है तो उसमें भी, अगर माइनर पर्सन को, इफ अ चाइल्ड मतलब माइनर बिलो 18 कोई पर्सन है, उसको स्यू करना है इन द कोर्ट, किसी पर्सन पे केस करना है, सूट करना है कोर्ट में, तो वो खुद से ऐसा नहीं कर सकता, ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो वो क्या करता है, ही अपॉइंट्स है amicus curiae, वो किसी नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू, किसी और के थ्रू कोर्ट में केस करता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड amicus curiae, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हु इज हेल्पिंग सम पर्सन टू फाइल द केस। ओके, फिर है अकम्प्लिस। नेक्स्ट वर्ड इज अकम्प्लिस। दिस वर्ड इज रेफर्ड इन द एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में यूज हुआ है ये वर्ड, आई थिंक सेक्शन नंबर 133 है इसका। ये वर्ड बताता है एक पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को, फॉर डूइंग अ क्राइम, इफ अ पर्सन इज हेल्पिंग, दैट पर्सन हु हेल्प्स इज कॉल्ड अकम्प्लिस। जो आप लोग नॉर्मल यूज करते हो पार्टनर्स इन क्राइम, किसके लिए, सिबलिंग्स के लिए। वो एक्चुअल में अगर लीगली समवन इज पार्टनर इन क्राइम तो उसको हम बोलते हैं अकम्प्लिस, जिस पर्सन ने हेल्प किया है किसी भी क्राइम को कमिट करने में। तो एविडेंस एक्ट में अकम्प्लिस का मतलब दिया हुआ है, और बोला गया है कि इफ अ पर्सन इज अकम्प्लिस तो फिर वो विटनेस नहीं हो सकता, ठीक है, फिर हम उसको पनिशमेंट भी देते हैं फॉर बीइंग एन अकम्प्लिस फॉर द एक्ट।
नेक्स्ट है मेलिस. मेलिस वर्ड का मतलब होता है इल मोटिव, बैड इंटेंशन. कुछ चीज अगर हम गलत इंटेंशन से कर रहे हैं, बैड इंटेंशन से कर रहे हैं, तो उसे हम मेलिस बोलते हैं. कि पर्सन वॉज मेलाइस व्हेन डूइंग दैट एक्ट. ठीक है, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन आपने टॉर्ट लॉ में पढ़ा होगा, एक अलग से चैप्टर है. मतलब उसमें ये क्लियर होता है कि इंटेंशन ही गलत था पर्सन का. ठीक है, तो मेलिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड टू बी कैप्ट इन योर माइंड. नेक्स्ट है प्ली ऑफ एलिबाई. ये जो प्ली ऑफ एलिबाई है, ये अगेन एविडेंस का भी पार्ट बनता है और दूसरे लॉस का भी बनता है. एविडेंस लॉ में प्ली ऑफ एलिबाई सिंपली दिया हुआ है, ये बोला गया है. इट इज प्ली. प्ली मतलब क्या होता है? एक प्लीडिंग. ठीक है, ये प्लीडिंग कौन लेगा? डिफेंडेंट लेगा. कब लेगा? व्हेन अ पर्सन हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग सर्टेन क्राइम. हमने अक्यूज तो कर दिया है कि पर्सन ने ये क्राइम किया है. अब पर्सन हैज टू टेक द डिफेंस. तो वो डिफेंस में क्या लेगा? प्ली ऑफ एलिबाई. प्ली ऑफ एलिबाई में वो ये बोलेगा कि ऑल्दो यू आर अक्यूजिंग मी ऑफ डूइंग सर्टेन क्राइम, बट जब आप मुझे उस क्राइम के लिए पनिश कर रहे हो, अक्यूज कर रहे हो, उस टाइम पे आई वॉज एट सम अदर प्लेस. तो आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज एट सम अदर प्लेस इज कॉल्ड प्ली ऑफ एलिबाई. फॉर एग्जाम्पल, से अ पर्सन हैज बीन अक्यूज ऑफ मर्डरिंग एक्स पर्सन इन डेली, बट द पर्सन प्रेजेंट्स द टिकट ऑफ द फ्लाइट एंड होटल बुकिंग्स एटसेट्रा दैट ही वॉज इन कोलकाता. सो ही कैन टेक द प्ली ऑफ एलिबाई कि मैं तो कहीं और था, तो मैंने तो क्राइम किया ही नहीं है. ओके, दिस इज ऑलवेज टेकन बाय द डिफेंडेंट, कीप इन माइंड. प्ली बार्गेनिंग. प्ली बार्गेनिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ. बेसिकली प्ली, अगेन इट इज अ प्लीडिंग, प्लीडिंग बिफोर द कोर्ट, जो डिफेंडेंट लेता है. ऑफ बार्गेनिंग, बार्गेनिंग आप लोग जनरल सेंस में समझते हो अच्छे से, बट प्ली बार्गेनिंग क्या होता है? बार्गेनिंग फॉर द सेंटेंस. कुछ पनिशमेंट मिल रही हो किसी को, तो उसके लिए बार्गेनिंग. आपने कभी सोचा है कि कोर्ट में भी बार्गेनिंग होती है? जनरली नहीं होती है, बट एक्सेप्शनली इट इज देयर. अगर किसी पर्सन को बोलता है कोर्ट, इफ ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग सर्टेन क्राइम, और कोर्ट बोलता है डू यू प्लीड गिल्टी, कोर्ट हमेशा उससे पूछता है कि डू यू प्लीड गिल्टी, आप अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं? एंड इफ द पर्सन सेज यस, तो वहां पे क्या होता है? उसके पास ऑप्शन होता है प्ली बार्गेनिंग का, कि वो बार्गेन कर सकता है कोर्ट में कि मैंने आप लोगों का कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है, आई हैव प्लीडेड माई सेल्फ गिल्टी, तो जो भी पनिशमेंट है मिनिमम से मिनिमम दी जाए. हमेशा ये राइट भी डिफेंडेंट के पास ही रहता है, अक्यूज के पास रहता है, जिसको अक्यूज किया गया है, और उसने खुद को मान लिया है कि मैंने ये क्राइम किया है, अब मुझसे गलती हो गई है, प्लीज अब आप मिनिमम रिडक्शन ऑफ सेंटेंस कर दीजिए इस चीज का. दैट इज कॉल्ड प्ली बार्गेनिंग. नेक्स्ट है नोवेशन. नोवेशन इज अ इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. नोवेशन मतलब होता है कुछ नया. सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. अब जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हो सकता है कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन की हो, कुछ हटाई हो, या कुछ अमेंड कर दिया हो. तीनों ही फॉर्म्स नोवेशन में ही कंसिडर होते हैं. तो नोवेशन मतलब कि अगर कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बदले में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, द पर्सन नीड नॉट परफॉर्म द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? क्योंकि उसी के रेफरेंस में नया कॉन्ट्रैक्ट आया है. द टर्मिनोलॉजी यूज्ड हियर इज नोवेशन. नोवेशन न्यू. आप याद रखना, एन से नोवेशन, एन से न्यू. लास्ट टर्म फॉर द टुडे इज इन रेम, अगेंस्ट द होल्ड वर्ल्ड. ये हम यूज करते हैं राइट्स के सेंस में. राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, अगर आपने सुना हो. राइट इन रेम मतलब अगेंस्ट द होल सोसाइटी, सबके अगेंस्ट मेरा वो राइट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने घर में रह रही हूँ, तो मेरे घर में इंजॉय करने का राइट मेरा अगेंस्ट द होल सोसाइटी है. कोई भी पर्सन आके मुझे नहीं बोल सकता कि इस जगह को खाली करो, यहाँ से आप जाओ, क्योंकि दैट राइट इज एक्सरसाइज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. इन रेम मतलब होता है सोसाइटी. ठीक है, तो राइट इन रेम अगेंस्ट द होल सोसाइटी. आज ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में हमने 10 वर्ड्स कवर किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ है क्लैट के लिए. नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम अगेन 10 वर्ड्स करेंगे. टिल दैट रिवाइज दीज वर्ड्स. आप लोग एक नोटबुक बना के इसको जरूर लिख लें, एटलीस्ट 1 लाइन ईच लिख लें, ताकि रिविजन के टाइम पे आपको आराम से हेल्प हो जाएगी और आप इजिली क्लैट क्रैक कर पाएंगे. ओके, थैंक यू सो मच.